करता है वहां पे आंदोलन करता है, और इस कार्रवाई में हमारे सभी युवा साथियों पे मुकदमे दर्ज कराता जा रहा है। अगर आप पे एक बार मुकदमा दर्ज हो गया साथियों, तो सरकारी नौकरी मिलने में मुश्किल हो जाएगी, रोजगार मिलने में मुश्किल होगा। ये आपको आज गर्म खून नहीं दिखा के इमोशनल करके आपको सड़कों पे ले जा रहा है और बाद में फंसा रहा है। साथियों, सड़क पे लड़कर आपको वोट, आपको आपकी ताकत, आपको सत्ता में आने का मौका नहीं मिलेगा। आपको अपने समाज को देश में लोकसभा चुनाव नजदीक है और एक बार फिर सत्ता का रास्ता सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाला है। यूपी की नगीना सीट भी हर मायने में दिलचस्प समीकरण दिखाती है। कहने को नगीना सीट अस्तित्व में कुछ साल पहले आई, लेकिन यहां पर किसी भी एक पार्टी का दबदबा नहीं दिखता। समझने वाली बात यह है कि नगीना एक रिजर्व सीट है, यानी कि अनुसूचित जाति के लिए इसे आरक्षित रखा गया है। परसीमन के बाद साल 2009 में यह सीट अस्तित्व में आई थी। इससे पहले तक बिजनौर लोकसभा सीट के अंदर ही नगीना शामिल थी। पिछले लोकसभा चुनाव के नतीजे की बात करें तो सपा और बसपा के बीच गठबंधन था। ऐसे में संयुक्त उम्मीदवार और बीएसपी के नेता गिरीश चंद्र ने नगीना सीट से बड़ी जीत दर्ज की। उस चुनाव में बीजेपी ने यशवंत सिंह को उतारा था, लेकिन उन्हें 1,00,000 से भी बड़े अंतर से हार का सामना करना पड़ा था। बड़ी बात यह है कि अभी तक नगीना के कुल 3 चुनाव हो चुके हैं, लेकिन किसी भी एक दल का लगातार जीत नहीं हुई। आज नगीना लोकसभा में बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने रैली की शुरुआत की। हिंदू इंटर कॉलेज के मैदान में आयोजित बहुजन समाज पार्टी की जनसभा में बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने कहा कि भाजपा ने शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा के मुद्दे पर कोई कार्य नहीं किया। बीजेपी सरकारी खर्चे पर अपना योजनाओं को बखान कर रही है। नगीना लोकसभा सीट पर हमारे सहयोगी संजय अंबेडकर से हम नगीना सीट पर चल रहे समीकरण की चर्चा करते हैं। नमस्कार, हमारे साथ में है नगीना से संजय अंबेडकर, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम बात करेंगे नगीना लोकसभा सीट पर कौन बाजी मारेगा इसको लेकर के, क्योंकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी से ओम प्रकाश हैं, समाजवादी पार्टी से मनोज कुमार हैं और बहुजन समाज पार्टी से सुरेंद्र पाल सिंह हैं, आजाद समाज पार्टी से चंद्रशेखर आजाद हैं। आज नगीना में लोकसभा चुनाव को लेकर आकाश आनंद की रैली हुई है, जो कि बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। हमारे साथ में संजय अंबेडकर जुड़े हुए। संजय अंबेडकर से जानने का प्रयास करेंगे कि लोकसभा जो नगीना है पांच, वहां से कौन बाजी मारेगा। सीधा रुक करते हैं। संजय जी, क्या लगता है कि नगीना से कौन बाजी मार सकता है? देखिए शुभम जी, जिस तरह से आज जो है आकाश आनंद जी की रैली हुई है जी, यहाँ पे बहुजन समाज का जमावड़ा था माना जाता है, लेकिन दलित मुस्लिम का गठजोड़ नहीं दिखाई दिया। कहा जाए तो जो है दलित का ही दर जो है रुझान आया और मुस्लिमों का रुझान नहीं आया, और मुस्लिम जो है दोनों तरफ बट रहा है। ये चंद्रशेखर की तरफ बट रहा है, बीएसपी की तरफ बट रहा है और सपा की तरफ भी बट रहा है जी। तो तीनों तरफ बट रहा है आपके कहने का मतलब जी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कहीं भारतीय जनता पार्टी तो बाजी नहीं मार सकती जी? बिल्कुल बाजी मार सकती है। इसमें क्या है, दलित जो है चंद्रशेखर और बीएसपी को लेकर जो है बट जाएंगे और इसमें बीजेपी बाजी मार जाएगी जी। तो आज आकाश आनंद की रैली हुई, कितना प्रभाव डालेगी बसपा? देखिए आकाश आनंद जी की रैली तो हुई है, प्रभाव उनका क्या है कि प्रभाव तो बना ही रहे हैं, लेकिन आज जो है आकाश आनंद का बयान आया है कि जो बसपा में जो है चंद्रशेखर आजाद भी सेंध लगा चुके हैं, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद जो है एक महीने से यहाँ पे जमीनी स्तर पे मजबूती से काम कर रहे हैं, वो भी अपना वोट जो है बना चुके हैं, मुस्लिम उनको जो है समर्थन दे रहे हैं। इसलिए आज जो है आकाश आनंद ने कहा कि उनके जो है जुबानी हमला भी बोला, उन्होंने कहा कि जो है चंद्रशेखर आजाद यहाँ से अपनी जमानत भी जो है जब्त करा देंगे। तो जिस तरह से आज आकाश आनंद की रैली हुई, उन्होंने आरोप भी लगाया आपके कहने के अनुसार, तो ऐसे में आकाश आनंद या आप कहें कि बसपा जो है वो कितना कामयाब होगी, अगर लड़ाई में रहेगी या नहीं रहेगी, क्या लगता है? कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो है बीएसपी तीसरे नंबर पे लड़ाई पे रहेगी, पहले नंबर पे बीजेपी और चंद्रशेखर रहेंगे, तीसरे नंबर पे बीएसपी रहेगी। दूसरे नंबर पे किसकी संभावना बन रही है? दूसरे नंबर पे संभावना चंद्रशेखर आजाद की बन रही है, जिस तरह से देखा जाए तो या इस तरह से कह सकते हैं कि चंद्रशेखर आजाद फाइट में रहेंगे, जिस तरह से लोकसभा का चुनाव पहली बार चुनाव लड़ेंगे तो जिस तरह वो फाइट में रहेंगे, मतलब ये बिल्कुल फाइट में रहेंगे। उसका कारण है क्योंकि चंद्रशेखर आजाद इस समय जो है जमीनी स्तर से काम कर रहे हैं और काफी उनका प्रभाव पड़ रहा है नगीना लोकसभा में। मुस्लिम समाज का वोट है और साथ में दलित समाज का वोट उनका बढ़ता जा रहा है। नगीना की लोकसभा सीट पर स्वर्ण वोट किधर जा रहा है, क्या लग रहा है? सपा वोट भी जो है बढ़ गया है इस समय जी। सपा वोट जो है सपा की तरफ भाग रहा, बीजेपी से काफी कार्यकाल से उठ भी चुका है, अब बीजेपी का भी आज जो है काफी जनाधार देखने को मिला, क्योंकि आज सीएम योगी आदित्यनाथ की यहाँ रैली थी नगीना में जी। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े। ये थे संजय अंबेडकर जी,
नगीना से वर्तमान समय में ग्राउंड जीरो पर हैं हमारे सहयोगी के रूप में। आपका धन्यवाद।